मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 11th की पोयम आपकी पोयम नंबर 2 है, यह क्लास 11th का है और क्लास 11 द स्कॉलर, स्कॉलर जिस होता है विद्वान, और द स्कॉलर विद्वान के लिए लगाया गया है, दी स्कॉलर, स्कॉलर जिस होता है विद्वान, इसको लिखा गया है रॉबर्ट साउदी के द्वारा। और इसमें देखिए इसके जो दो पार्ट है, इसको पहले हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसके अगले पार्ट को देखेंगे। आइए देखते हैं। माय डेज एमान, मेरे दिन या मेरे, माय डेज एमान द डीड आर पास्ट, मेरे वह दिन जो बीत चुके हैं या मेरे मृत दिनों के पहले। अराउंड मी आई बिहोल्ड, मेरे चारों ओर जो जुड़े हुए हैं या जिसको मैंने चारों ओर से, जो मुझे चारों ओर से जकड़े हुए हैं अर्थात बांधे हुए हैं। कौन? माय डेज एमान, मेरे दिन जो बीत चुके हैं, आर पास्ट, पूर्व में, मेरे दिन जो पूर्व में बीत चुके हैं। अराउंड मी, मेरे चारों ओर, आई बिहोल्ड, जिसके मैं चारों ओर बंधा हुआ हूँ। वेयर इवर दीज, जहाँ कहीं भी ये कैजुअल सामान्य रूप से, आईज आर कास्ट, आंखें प्रतीत होती है या आंखें देखती है। वेयर इवर, जहाँ कहीं भी दीज, ये कैजुअल आईज, सामान्य आंखें, आर कास्ट, दिखाई देती है। द माइटी माइंड्स, माइटी मीन्स होता है सर्वोच्च, माइंड मीन्स होता है मन, ऑफ ओल्ड, वृद्ध होता है अर्थात पुराना हो जाता है, यह सर्वोच्च मन पुराना हो जाता है अर्थात प्राचीन दिखाई पड़ता है। माय नेवर फेलिंग फ्रेंड्स, मेरे कभी न सफल होने वाले मित्र, आर दे, वे है, कौन है? वह मन है जो वह कभी न असफल होने वाला मित्र है। आपको रॉबर्ट साउदी कहते हैं माय माइटी माइंड्स, मेरा सर्वोच्च मन अर्थात मेरा सर्वोच्च मन, ऑफ ओल्ड, जो पुराना हो चुका है। माय नेवर्स फेलिंग फ्रेंड्स, मेरे कभी न सफल होने वाले मित्र, आर दे, वे हैं। विथ होम, जिनके साथ, आई कन्वर्स, मैं जुड़ा हुआ हूँ डे बाय डे, प्रतिदिन या प्रत्येक दिनों के साथ। आगे क्या कहते हैं? विथ देम, जिनके साथ, आई टेक डिलाइट इन बी, जिनके साथ आई मीन्स मैं, टेक मीन्स ग्रहण किया या लिया हूँ, डिलाइट मीन्स आनंद, इन मीन्स में, विल मीन्स चक्र, जिनके साथ मैंने आनंद या जिनके प्रत्येक चक्र में मैंने आनंद को ग्रहण किया है। एंड सीक, और खोजा है, रिलीफ, आना, इन ओ, उनके दुखों में, अर्थात अपने दुखों में भी मैंने आराम को खोजा है। एंड और वाई आई अंडरस्टैंड, जबकि मैं समझ चुका हूँ या समझता हूँ, एंड फील, और महसूस करता हूँ, करें, और जब मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ, हाउ मच, कितना अधिक, टू देम, उनके साथ, आई ओ, मैं रीडिंग हूँ, करें है, जब मैं देखता हूँ या समझता हूँ कि मैं उनका कितना रीडिंग हूँ। माय चिक्स, मेरे गाल या मेरे गाल, हैव आस्टेड, प्रायः बीन बिडिव्ड, हमेशा, बिडिव्ड भी होता है आंसुओं से, हमेशा आंसुओं से भीग जाते हैं, मेरे गाल प्रायः आंसुओं से भीग जाते हैं, कब? जब वह सोचता है, समझता है, महसूस करता है कि वह कितना ऋणी है, इसका, अपनी विद्वत्ता का अर्थात अपने माइंड का, अपने दिमाग। With tears, आंसुओं के साथ, as thoughtful, विचारपूर्ण, and gratitude, और गुणों के साथ, मैं उनके विचारपूर्ण और गुणों के साथ क्या रहता हूँ, हमेशा उसके गुणों को, मेरे आंसू हमेशा विचारपूर्ण और गुणों के साथ भरे हुए रहते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इसके आगे की चार पार्ट, आइए आगे देखते हैं। My thoughts, मेरे विचार, are with the dead, उनके साथ मृत हुए हैं, with them, उनके साथ, मेरे विचार मृत पड़े हैं, with them, उनके साथ। I live in long past year, मैं जीवित हूँ, in long, लंबे समय से, past year, पिछले वर्षों से, कह रहे हैं मैं पिछले वर्षों से लंबे समय तक जीवित हूँ।
डियर वर्च्यू लव उनके स्नेह पूर्वक गुण या उनके स्नेहमयी गुण डियर फॉल्ट कंडक्ट और उनके दोष या उनके खराब दोष कंडक्ट होता है दोष फॉल्ट इज खराब उनके खराब दोष और उनके स्नेहमयी गुण पार्टे विभाजित करते हैं डियर होप्स उनकी स्वयं की आशा है एंड फियर्स और भय एट और फ्रॉम डियर लेसर और फ्रॉम डियर लेसर और उनके शिक्षा या ज्ञान सी खोजता हूं एंड फाइंड और पाता हूं और अपने देखिए डियर वहां पर डे था तो यह डियर हुआ है हमेशा उन्हीं के लिए अर्थात अपने मायके के लिए और अपने शिक्षा में पाता हूं खोजता हूं एंड फाइंड और पाता हूं इंस्ट्रक्शन निर्देश विद हम्बल माइंड एक सामान्य दिमाग से या एक निर्मल या स्वच्छ मन से माई होप्स मेरी आशाएं आर विथ द डेड उस मृत के समान या मृत के साथ है एन शीघ्र ही अर्थात मेरी आशाएं से मृत के साथ है अर्थात उस दिमाग के साथ है एन मीन शीघ्र माई प्लेस मेरा स्थान विथ देव उनके साथ विल बी होगा या हो रहा है एंड और आई विथ देम मैं उनके साथ हूँ सेल आई ट्रेवल आर जहाँ मुझे यात्रा में होना चाहिए थ्रू आर फ्यूचरिटी प्रत्येक भविष्य के साथ येट फिर भी लिविंग हियर अ नेम यहाँ पर केवल नाम है आई ट्रस्ट मैं विश्वास करता हूँ दैट विल नॉट पेरिश वह कभी गायब नहीं होगा इन द डस्ट इस धूल से देखिए यहाँ पर रॉबर्ट साउदी बताते हैं कि जो आपके पास शरीर है या जिस शरीर की आप जिस शरीर का आपने धारण किया है यह कभी भी यहाँ से गायब हो सकता है अर्थात कभी भी आप मृत हो सकते हैं लेकिन जो आपकी विद्वता होगी जो सत्य है वह कभी भी धूल में नहीं मिलता वह हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में आपके नाम के साथ वह जुड़ा रहता है और वह कभी भी खत्म नहीं होता इसी को यहाँ पर स्कॉलर अर्थात विद्वान का रूप दिया है अर्थात विद्वान इस संसार से कभी भी गायब नहीं होते वह हमेशा हमारे साथ रहते हैं इसको रॉबर्ट साउदी ने लिखा है और यह आपकी थी इसके अर्थ आप लोग वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू।